एनबीसी 24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार यूपी का सबसे बड़ा नामी माफिया डॉन, पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक, बात कर रहे हैं राजन तिवारी को। राजन तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गठित टीम में कार्रवाई की है और रक्सौल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, हरैया थाना क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर राजन तिवारी पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और मोतिहारी की पुलिस ने टीम गठित की और छापेमारी करते हुए बाहुबली माफिया डॉन राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 17 साल से कई मामलों में फरार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में 20,000 के मोस्ट वांटेड आरोपी में उनका नाम आया था और बिहार में भी कई ऐसे मामले राजन तिवारी पर दर्ज है जिनमें लगातार गिरफ्तारी को लेकर चर्चा होती रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन राजन तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस की टीम ने बिहार के जिले मोतिहारी के रक्सौल हरैया ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। हरैया के थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई है और 22 थानों की टीम जो है वो लगातार गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी। बता दें आपको, 17 साल से इनके ऊपर वारंट जारी किया गया था और हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी जानकारी दी थी, पूरा डाटा निकाला था, जिनमें की जो जानकारी निकल कर आई थी कि राजन तिवारी भी मोस्ट वांटेड है, उन पर 20,000 रुपए का आरोप जो है वो तय कर दिया गया था, यानी कि इनामी कुख्याति बदमाश कह सकते हैं आप, वो तय किया था उत्तर प्रदेश ने। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक लगी कि राजन तिवारी बिहार के मोतिहारी के रक्सौल हरैया पहुंचे हुए हैं, टीम पहुंची और पूरी टीम जो है एक योजना बनाकर काम करती है और एसपी कुमार आशीष ने पूरी जानकारी दी है और कहा है कि राजन तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें करीब 2 दर्जन से अधिक जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। बिहार यूपी से सटे तमाम जिलों में राजन तिवारी को लेकर कई जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती रहती थी। 17 साल से उनके ऊपर वारंट जारी हुआ था और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक राजन तिवारी की गिरफ्तारी जो है वो अब वो हो चुकी है। पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और माना जा रहा है बिहार पुलिस तमाम दस्तावेजों को तैयार करके यूपी पुलिस को सौंप सकती है। बढ़ाल मोतिहारी के हरैया ओपी में गिरफ्तारी के बाद कुमार आशीष जो इस बार मोतिहारी के एसपी हैं वो लगातार पूछताछ करने में जुटे हैं और राजन तिवारी की गिरफ्तारी के साथ उत्तर प्रदेश में कई जो गैंग हैं जिनका नाम लगातार सामने आते रहा है, उन लोगों के नाम का भी आज खुलासा हो जाएगा जब राजन तिवारी से पूछताछ होगी। बड़ाल आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मोतिहारी के रक्सौल से, जहां से बिहार के पूर्व गोविंदगंज से विधायक बाहुबली विधायक राजन तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है और अब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा जब पुलिस पूछताछ करती है, बिहार और यूपी की पुलिस पूछताछ करती है, तो किस तरीके से किन किन नामों का खुलासा होता है। कई जो हत्या के केस हैं इन पर दर्ज हैं, आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, संगीन आरोप लगे हैं, अपहरण का भी केस इन पर लगा है, तो कई मामलों का जो आज से खुलासा जो है वो होना शुरू हो जाएगा और राजन तिवारी की गिरफ्तारी बिहार यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि कामयाबी है वो मिली है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार जो टीम थी वो गिरफ्तारी में जुटी थी लेकिन राजन तिवारी को गिरफ्तार करने में कामयाब पुलिस नहीं हो पा रही थी। आगे भी खबरों का सिलसिला चलेगा, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आगे क्या कुछ होगा, बने रहे NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।